स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, जय माता दी। अभी मैं चाय वाला बर्तन धो ले रही हूँ, जो चाय बनाई थी सुबह में। आज थोड़ा बच्चों को भी चाय दी थी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड थी, तो अदरक वाली चाय बनाई थी तो उन लोगों को भी दे दी थी, और वो लोग चाय पी के चले गए हैं उस रूम में। और इधर मैं जा रही हूँ, अभी झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया, अभी भी फर्श गीला ही है, धीरे धीरे सूखता है ठंड में। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा त्रयोदशी का व्रत है। पहले जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, नहा के पूजा कर लूंगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। खाना में देखती हूँ आज क्या बनाना है, तो खाना भी बनाऊंगी, खाना इन लोगों के लिए बनाना है। तो अभी तो रोटी वैसे बनाऊंगी, पर सब्जी देखती हूँ क्या बनाना है, क्या बनाती हूँ। अब मैं आ गई नहा के, भगवान का थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, ज्योति जला देती हूँ भगवान के आगे, उसके बाद जाऊंगी मैं आगे का काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था। लेट तो नहीं हुआ ज़्यादा, पर फिर भी व्रत था तो इसीलिए, और ठंड में थोड़ा हाथ पैर भी उतना नहीं चलते रहता है, कहीं बैठ जाओ आप तो होते रहता है, बस अभी यहीं पर बैठे रहो, उठ के कहीं जाओ नहीं, तो इसलिए तो थोड़ा फटाफट पहले भगवान का धूप दिया हुआ जला देती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ आगे खाने उने का। घर में तो मैं पूजा कर ली, भगवान को जोत जला दी, और एकादशी और रविवार को कहते तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तो आज तो रविवार है तो मैं आज भी नहीं तुलसी में जल दूंगी, लेकिन जा रही हूँ जोत और धूप दोनों दिखा देने के लिए बाहर में, यहीं बाहर से ही। और एक माता जी का मंदिर है तो यहीं से मैं माता जी को भी दिखा देती हूँ, पहाड़ पर हैं, और यहाँ से नहीं दिखती हैं पर पहाड़ पर हैं, तो यहीं से दिखा देती हूँ उनको भी। जल नहीं दूंगी मैं तुलसी में आज, क्योंकि आज रविवार है, कल एकादशी था, तो दोनों दिन मैं जल नहीं दी थी। तुलसी जी तो लग रहा है एक दो दिन में पूरी सूख जाएंगी, तो उनका मैं वो मच्छर निकाल के गमले में डाल दूंगी और पौधा निकाल दूंगी, क्योंकि कहते हैं सूखा हुआ तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए, एक दो दिन तो रहने देती हूँ, उसके बाद फिर निकाल दूंगी। चलिए पूजा तो समाप्त हो गई, और अब लगती हूँ किचन के काम में, देखती हूँ खाना क्या बनाना है, रोटी तो बनाऊंगी, सब्जी देखती हूँ क्या बनाना है, और चलिए अब लगती हूँ किचन में। कल मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ एक घटना घट गई, और क्या घटी मैं आपको बताऊंगी, तो कल के लिए सॉरी, कल मैं कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं कर पाई इसके लिए। कल से ही लगे हुए हैं उसमें, पर वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है, और नहाना हुआ इतना तो मेरा हो गया, आज मैं बाल धो के भी नहाई हूँ, और सभी को तुलसी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और हैप्पी क्रिसमस भी के भी बहुत शुभकामनाएँ। ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ मिल जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आज दो दिन से ढूंढ रही हूँ, और मेरे कान का एक था गोल्ड का, वो गिर गया है कहीं, क्योंकि अचानक से फिर उस पर गया नज़र तो देखी एक कान का नहीं था, तो इधर तो बहुत ही पत्थर है, खट्टा खुट्टी है, मैं इधर आई थी कूड़ा फेंकने के लिए, उसके बाद से ही नहीं है, क्योंकि मेरे आने के बाद फिर लेबर सब आते हैं बगीचे में, ये देखिए कितना गड्ढा सब है, अब इसमें कहीं गिर जाए या कुछ भी पता नहीं चलता है, मैं यहीं पे आती हूँ कूड़ा फेंकने के लिए, अब कहाँ गिरा वो भी आइडिया इतना पूरा नहीं है, तो ढूँढ रही हूँ, कल से ही ढूँढ रही हूँ पर मिला तो नहीं है अभी तक, ढूंढ तो रही हूँ पर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी महंगाई में
गोल्ड का कोई चीज़ बनाना उनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कल से ही ढूंढ रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं, पर मिल ही नहीं रहा है। इतना गड्ढा है, कहीं गिर जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, मीडियम साइज़ का था, पता नहीं चल रहा है। क्योंकि मेरे बाद जाने के बाद लेबर सब भी आते हैं ऊपर बगीचे में काम करने के लिए, अब पता नहीं, दिन देखे तो बोल नहीं सकते हैं, और कहीं उनका नज़र चला गया हो या कुछ भी। ये देखिए कितनी सारी घास भी है इसमें, तो और भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस समय तो कई बार ढूंढ चुकी हूँ, इस समय एक बार दो बार नहीं, कल से कई बार ढूंढ चुकी हूँ, अब मुझे नहीं रहा है। यहाँ पे कम्बल भी फैलाई थी, उसके बाद आई थी यहाँ पे धूप में भी बैठने के लिए, उस दिन धूप निकली थी तो धूप में भी आई थी बैठने के लिए। कई बार तुम सब जगहों पे ढूंढ ली हो पर कहीं नहीं दिख रहा है, और फिर मैं धूप में इधर से हल भी रही थी क्योंकि इधर धूप आ गई थी, तो इधर भी पूरा ढूंढ ली हूँ पर कहीं नहीं मिल रहा है। आ गई मैं नीचे से ढूंढ के, कहीं मिला नहीं क्योंकि खाना भी बनाना है, बहुत टाइम हो गया है खाना बनाने का, कल से तो मन नहीं लग रहा है काम करने में, फिर भी क्या करें, खाना तो बनाना ही है, तो जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। क्योंकि कल जब पूजा करने के बाद, कल जब बैठे दोबारा चाय बनाने के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड लग रही थी, उसके बाद इनका नजर गया तो ये कह रहे एक कान का तो है नहीं तुम्हारा। उसके बाद से जो ढूंढने में लगी, कल व्रत भी था, उसके बाद भी पूरा दिन ढूंढने में लगे हम लोग, बच्चे भी ढूंढ रहे थे, ये भी ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रही थी, लकड़ी से पूरा घास को ऐसे ऐसे करके लकड़ी से हटा हटा के देख रहे थे, फिर भी नहीं मिला। फिर आज सुबह से भी ढूंढ रही थी, फिर भी नहीं मिला। अब होगा किस्मत में तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखे ही थे गाड़ी में भी पैसे लगे थे, फिर कान का गुम हो गया, फिर अगले मंथ बच्चों का एडमिशन करवाना है, यहाँ पे री एडमिशन फरवरी में ही हो जाती है, तो जनवरी तो आ ही गया, एक हफ्ता दिसंबर का रह गया, फरवरी शुरू वीक में ही बच्चों का री एडमिशन भी करवाना है, तो अभी तो खर्चे खर्चे ही लगे हुए हैं, लेकिन क्या किया जाए। चलिए अब जो नसीब में नहीं होता है तो वो कुछ, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे तो अब मैं सोच रही थी वीडियो ये नहीं बनाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, अकेले में थोड़ा कोई बात मन में आपका ऐसा होना तो मन में घुटन सी होती है, तो मैं इसलिए सोची चलो वीडियो बना लूँ, आप लोग के साथ शेयर कर लूँ तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना ली। और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। वैसे तो अंदर से बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि आप लेना बहुत कोई चीज़ मुश्किल हो जाता है। हमारे इधर कहते हैं लो अमीर की तरह रखो गरीब के तरह, यानी कि कोई चीज़ लो, एक ही चीज़ लो, पैसे लगा के अच्छा चीज़ लो, लेकिन उसको हिफाजत से रखो। तो मेरे साथ तो ऐसा कोई ऐसा घटना नहीं घटता है, पर ये घटना घट गया, अब क्या किया जाए, क्योंकि अपने हाथ की बात तो है नहीं और आइडिया भी नहीं है कब गिरा, मतलब कहाँ गिरा, क्या गिरा, नहीं गिरा, कुछ इतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि घर में मैं रहती हूँ अंदर में तो टोपा लगा के रहती हूँ कान में, तो इतना नज़र भी नहीं जाता है, ठंड का टाइम है, तो इसीलिए उस दिन मैं पूजा करके नहा के यहाँ बैठी ही थी हीटर के पास, तो इनका नज़र चला गया, लेकिन चलिए क्या किया जाए, अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आ गई मैं अब खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं आज मलका दाल की पकौड़ी तड़ी वाली बना रही हूँ, और चावल बनाऊंगी इसके साथ, और इतना बाकी है तो ये जब हो जाएगा तो फिर दोबारा इसको बनाऊंगी। और इधर मैं प्याज काट रही हूँ तड़के के लिए,
एक प्याज बड़ा साइज का और एक टमाटर। वैसे इसमें थोड़ा कढ़ी, इसमें लस्सी या दही रहता तरी के लिए तो और भी अच्छा रहता, पर है नहीं मेरे पास, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए मलका दाल की तरी वाली कढ़ी पकौड़ा बन के ये तैयार है। क्योंकि आज मेरे पास सब्जी कुछ थी नहीं, ये जाने वाले थे पर ये भी नहीं जा पाए, सुबह लग गए ढूंढने में ही। और दाल चावल सिर्फ बना देती तो बच्चे फिर खाते नहीं, तो ये दाल का दाल भी हो गया और सब्जी का सब्जी भी हो गया, दोनों चीज हो गया। ये बन के तैयार है, इधर चावल भी बन चुका है, बस चावल का प्रेशर निकल जाए तो उसके बाद खाना निकाल दूंगी। ये बिल्कुल ही बन के तैयार है। और इधर थोड़ा सा तला हुआ रखी हूँ मैं पकौड़ा खाने के लिए अलग से, और कढ़ी में डाल दी। तो ये देखिए बन के तैयार है। जैसे दाल कुछ ना सब्जी रहे घर में, सिर्फ दाल रहे, तो ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं। देखिए चावल बन गया, इतना अच्छा चावल बना हुआ है, बिल्कुल खिला खिला। मैं खाना निकाल देती हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, तो खाना निकाल देती हूँ। ये देखिए आज का खाना हमारा बन गया, और ये तला हुआ पकौड़ा, आम का अचार और चावल। अब दे देती हूँ मैं सबको खाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो झा फैमिली की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।